टीकरी बॉर्डर में गुलाब बीबी कौर नगर में आज भीमा कोरेगांव में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर कार्यक्रम उठा और यहां से साफ संदेश दिया गया कि जो किसान हैं वे सिर्फ और सिर्फ खेती के बारे में ही नहीं देश और देश की राजनीति के बारे में सोचते हैं और दखल देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि किसान जब सड़क पर उतरे हैं उससे मोदी सरकार चाहे दिखाए कितना भी कि वह परेशान नहीं है लेकिन अंदर से हिली हुई है मोदी सरकार। सुखदेव सिंह जी तैयार रहना सारे ही भरायां नूं बेनती करांगे 5-4 मिंटां दे विच क्योंकि चाहुंदे आपां साथी हमारा भी मांग पत्र में पंजाब हिंदुस्तान की सरकार को दिया हुआ है कि जो बेकसूर हैं बुद्धिजीवी जो स्टेट के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर देशद्रोही के पर्चे डालकर उनको अंदर किया हुआ है। ये आपका तरीका का ठीक नहीं। ये जमहूरी हक हुआ है उनका, उनको किसी तरह की भी कोई बात जो समाज के अंदर बात पर रही है वो लिखने का और बोलने का अधिकार है। आप उनके साथ धक्का कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी की रिहाई की मांग हम कर रहे हैं, वो दिन हमें मना रहे हैं, पीछे ही मनाया अभी मना। ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਪਚਾਹ ਸਾਰੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆ ਚੋ ਲੱਭਣ ਮਾਪੇ, ਸਿਵਿਆ ਚੋ ਲੱਭਣ ਮਾਪੇ, ਨਸ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਕ ਵੀ ਤੋ ਜਾਤੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਯਹਾਂ ਆਤੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਸੇ ਆਪ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਸਾਡੇ। ਅਭੀ ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਚਿੰਬੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੀਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਦੋਨੋਂ ਕੈਸੇ ਜੁੜਤੀ ਹੈ? मुझे लगता है कि मुद्दा तो वही है और मुद्दा यही है कि एक लोकतांत्रिक समाज है, यहाँ पे जो लोग अलग अलग आंदोलनों के लिए अलग अलग मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको न सरकार उनकी बात सुन रही है और अगर ज़्यादा आवाज़ उठाते तो उनको जेल के अंदर बंद कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये जो आंदोलन है ये बहुत अलग है, मुझे लगता कि एक जुड़ाव है इनमें कि आवाम की आवाज़ बुलंद हो और उसकी मांगे लोकतंत्र की सरकार के द्वारा सुनी जाएं और उसके लिए जो आवाज़ उठाते हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और उनको मतलब वो लोकतंत्र के लिए बहुत अहम लोग हैं और उनकी महत्व समझी जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों एक ही आंदोलन है, एक अलग अलग रूप है उसी आंदोलन के। इस समय इस सोसाइटी के डेमोक्रेटिक कंसर्न्स हैं जो सभी लोग ना सिर्फ जो जेलों में हैं, इसके बिना जो ड्रैकोनियन लॉज भी हैं जैसे UAPA है, सेडिशन का है जो किसी पर भी लग जाता है, और जैसे NSA है, उन लॉज को भी अबॉलिश करने की, ख़त्म करने की जो डिमांड है वो आज का ये प्रोटेस्ट कर रहा। क्या आपको लग रहा है, उस समय हमें लग रहा था कि चुनाव होंगे विधानसभा के, उससे पहले कुछ कर लेंगे, वार्ता चल रही थी, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तो कोई वार्ता ही नहीं चल रही है, फिर किस आस में किसान बैठा है यहाँ? कहा तो ये जाता है कि लेखक बहुत संवेदनशील होते हैं, वो पहले से समझ लेते हैं, लेकिन हम बात खा गए। हमने मोदी को बहुत संवेदनशील समझ लिया था, हमें ये मालूम नहीं था कि ये इतना ढीठ है। हम सोचते थे कि ये किसानों की बात सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, जब लाखों की गिनती में
हमारे बुजुर्ग किसान बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, वो इतनी सर्दी में बाहर बैठे थे, आकाश के नीचे सोते थे, हमें लगता था कि ये सरकार उनकी बात सुनेगी, लेकिन आज हमें लगता है कि ये सरकार, इनकी अपनी कोई मंशा नहीं है, ये कारपोरेट के हाथों में बंधे हुए हैं, इनके जो बिग बॉसेज हैं वो इनके पीछे हैं, वो इशारा करेंगे तभी ये बात करेंगे, ये वार्ता करें ना करें, लेकिन आज किसानों ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इतना बड़ा जन आंदोलन और उसमें जन जन की भागीदारी, आप देखिए कि केवल किसान नहीं है, आज पंजाब का खेत मजदूर जहां आ चुका है, आज पंजाब का छोटा मुलाजिम जहां आ चुका है, छोटा दुकानदार जहां आ चुका है, और आप देखिए कि दूर दूर से किसानों के समर्थन में कैसे लोग आ रहे हैं। नागपुर से एक आदमी अपनी मशीन लेके आता है और वहाँ कपड़े रिपेयर करता है। तो इस आंदोलन की कोई परिभाषा नहीं, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। जब से वो लोग जेल में गए हैं, हमने अमृतसर में प्रोटेस्ट किया है, पंजाब में प्रोटेस्ट किया है, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया है कि ये जो लेखक हैं इनको छोड़ा जाए। जब राम रहीम को इतना बड़ा केस है, उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं, तो बीच बीच में छोड़ रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं छोड़े? ये तो निर्दोष हैं लोग, बात रखने में उनके अंदर दे रहे हैं उन लोगों को, तो ये बहुत गलत बात है। इतना लंबा आंदोलन चल गया, नवंबर से लेकर अभी हम जून में आ गए हैं, आधा जून बीत गया, क्या लगता है कितना समय तक चलेगा आंदोलन? ये बहुत लंबा चलेगा, अभी मैं तो कहता हूँ 6 महीने और चलेगा, लग रहा है ये, क्योंकि वो उसकी इंतजार कर रहा है यूपी की इलेक्शन का। देखो यूपी में, यूपी का एक ऐसा है जिसमें 80 सीटें हैं, इसलिए उसको वो नज़र आ रहा है कि किसी तरह उसको निकालें, फिर किसानों को बताएं कि ये देखो एक जगह तो पहली बार मार खा गया है जो पश्चिमी बंगाल में, अभी वो उस दर्द से निकले नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि यूपी जो इलेक्शन है इसको देखें पहले, यूपी में क्या है, गड़बड़ तो उसके अंदर हो गई है यूपी में, कभी अमित शाह के पास जाके योगी मिल रहा है, उसके अंदर जो MLA बगावत कर रहे हैं, लोग वहाँ से उठ रहे हैं, किसान भी उठ रहे हैं, अब लोगों को पता लगे हमारे पास कोई रोज़गार नहीं, ये तो झूठ बोलता है, 15-15 लाख रुपये की बात कर रहा था, 2 करोड़ की बात कर रहा कि नौकरियाँ देंगे। तो आपको लगता है कि यूपी चुनाव जो 22 में है उसके बाद किसानों का भविष्य तय होगा? बिल्कुल तभी होगा, मेरे अनुसार के तब होगा इनका भविष्य। तब तक किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे? किसान बैठे रहेंगे, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के बेटे हैं, हम क्यों ना बैठेंगे, हम अपनी मांगों के लिए बैठ रहे हैं। आपका रिश्ता भगत सिंह के परिवार से है, आज भगत सिंह को सबसे ज़्यादा याद किया जा रहा है, और ये जो आंदोलन है इसने दूसरे ढंग से भगत सिंह की विरासत को हमारे बीच जिंदा किया है, आप कैसे देखते हैं खुद का भगत सिंह से जुड़ा होना और इस आंदोलन का भगत सिंह से जुड़ा होना? कि मैं उनकी छोटी बहन बीबी अमर कौर का बेटा हूँ, तो मेरे माताजी ने जो मेरे बड़ा सूक्ष्म तरीके से मुझे कहा कि जानने से आपका रिश्ता बनेगा, तो वो चीज़ जो है मैंने उनको ढूंढा उनके बारे में, सभी तो उनमें जो चीज़ अब अप्रिशिएट कर रहे हैं हम, कि उन्होंने एक राजनीतिक प्रोग्राम दिया है जिसको वो कहते हैं कि हम वैनगार्ड हैं, मतलब फ्रीडम प्रोडक्ट फ्रीडम मूवमेंट के, और वैनगार्ड में यह है कि जो ना बराबरी है उनका था कि इससे आगे चलें, कि ये किसी देश का देश पे राज नहीं है, ये किसी जात का जात पे नहीं है, उससे आगे है कि एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को गदर पार्टी ने समझाया कि वो साम्राज्यवाद होता है। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं एक नारा जो है वो लगा रहा हूँ, अगर मेरे लोग समझ जाएँ तो मुझे मेरी जीवन की जो है मतलब मूल्य मिल जाएगा, और वो कंप्लीट नारा है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद, और मैं कहता हूँ कि साम्राज्यवाद का जो नया रूप है वो नवोदारवाद है, और भगत सिंह ने बड़ा सिंपल कहा था कि एक देश दूसरे देश को लूटता है, तो इसलिए एक तो वो सार्थकता है, दूसरा यह है कि उन्होंने उस वक़्त भी नौजवानों को ये कहा कि आप इस जातवाद धर्मवाद से ऊपर उठिए और एक इंसानियत की लड़ाई लड़िए, तो वो दोनों तरह जज्बाती तौर पर भी और विचारक तौर पर भी वो आज मतलब बहुत ही मतलब जिंदा है। न्यूज़ क्लिक की टीम के साथ इस समय हम पहुंचे हैं टीकरी बॉर्डर के पकौड़ा चौक में, यहां पर गुलाब बीबी नगर बसाया गया है और आज इस नगर में एक अहम सभा हो रही है,
यहाँ पर आज याद किया जा रहा है उन मांगों को जिनको बाकी लोग भूल चुके हैं। भीमा कोरेगांव मामले में पकड़े गए तमाम लोगों की रिहाई की मांग को लेकर आज पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य इलाकों से पहुंचे हैं संस्कृति कर्मी, लेखक, ताकि वे किसानों की मांग के साथ अपनी मांग को जोड़ सकें। एक ऐसे समय जब मोदी सरकार किसानों की मांगों की पूरी अनदेखी कर रही है, किसान डटे हुए हैं खराब मौसम में भी लगातार अपनी मांग को उठाते हुए, और साथ ही साथ लोकतंत्र की मांग को, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्षरत किसान अलग ढंग का एक वितान रच रहे हैं।